दिखता खुदा भी ना मेरा। कहाँ जाऊंगी मैं? किसी ऐसी जगह जहां तुम्हारे ससुराल वाले ना पहुंच सके। सोनिया, 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 आराम से, आराम से, आराम से। मेरी बच्ची सोनिया, तुम खुद से चलकर आई हो। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। यहाँ बैठ, बैठ जा, बैठा जा, 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 शाजिया, शाजिया, मिल जाएगी, मिल जाएगी, आ जाएगी। सोनिया, सोनिया रिलैक्स, आ जाएंगी, आ जाएंगी वापस। अभी मैं मामाने की तरफ जा रहा हूँ। क्यों बेटा? सभा का फोन आया था, शाजिया वहीं पर है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जाओ शाबाश लेकर आओ उसे। और बेटा मेरी तरफ से ना उससे माफी मांग लेना, मैं जरूर चलती हूँ उसे लेने के लिए। इसकी हालत देख रहे हो ना तुम, उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम चले जाओ, जल्दी जाओ बेटा। शाबाश जी। शाजिया को लेने जा रहे हैं। सोनिया, 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 सोनिया। शाजिया तुम कब आई? जब तुम सारिम से बात कर रही थी। वो मैंने सोचा कि, अरे मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी कि चलो जहां तुम चाहती थी वहां तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, खैर से शादी भी हो ही जाएगी। कि मुझे नहीं पता था कि मेरा आना तुम लोगों को इतना बुरा लग जाएगा। मैं तो सिर्फ यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आई थी, ज्यादा दिन रहने के लिए नहीं आई थी। मगर अब मैं जा रही हूं। शाजिया, शाजिया मेरी बात सुनो। देखो शाजिया, दो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। शाजिया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। शाजिया, शाजिया, शाजिया कहाँ चली गई है? क्या हुआ? वो मैंने सारे भाई को बता दिया कि शाजिया यहाँ है। शाजिया ने सुन लिया। क्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों बताया उसे, क्यों फोन किया? क्योंकि अम्मी जो कुछ वो कर रही है गलत कर रही है, और आप उसे करने दे रही हैं। इसलिए मैंने सारे भाई को बताया। कुछ नहीं होगा, उससे होंगे गिले शिकवे होंगे, मगर शाजिया को यहाँ से वो खुद लेके जाएंगे। शाजिया यहाँ पे होगी तो वो उसको लेकर जाएगा ना, उल्टा वो हम पे गुस्सा करेगा कि हमने उसके साथ गलत बयानी से काम लिया, या फिर अब ले रहे हैं। ना जाने कहाँ गई होगी, एक यही तो घर था जहाँ पे वो अपने दुख सुख करने आ जाया करती थी, वो यहाँ पर भी नहीं आएगी। हाँ तो होती है सबा, पता नहीं कहाँ गई होगी मेरी बच्ची। अगर मैं और मेरी बच्ची तुझ पे भारी है ना, तो बता दे फोन कहाँ है। फोन तो हम लोग चले जाएंगे कहीं भी, पता नहीं कहाँ गई होगी। सोनिया मेरा बच्चा, अब अकेली खुद से कभी नहीं आना बाहर। देखा कैसे चोट लग गई मेरे बच्चे को। हरसिम क्या कह रही है ये? हाँ मेरा बच्चा, हम तुम्हारे पास ही हैं। बस बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे शाजिया ने मना किया था कि मैं तुम्हें ना बताऊं कि वो यहां पर। उसने सबा को तुमसे बात करते हुए सुन लिया था, बस
साया उसे और पता नहीं कहाँ चली गई। हनी मुझे समझ नहीं आता कि शाजिया को आखिर मुझसे शिकायत क्यों है। इसी बात का तो रोना है बेटा, कुछ बताती नहीं है वो। मैं रात को उसे कुरेद रही थी कि मुझे बताओ क्या बात है, लेकिन बस एक ही बात कहती रही कि मैंने वापस घर नहीं जाना, मैंने सारिम से कोई बात नहीं करनी। पता नहीं लड़की आखिर चाहती क्या है। वो तो जब मुझे मिलेगी तो मैं उससे पूछ लूंगा कि उससे किस बात की नाराजगी है मुझसे। खैर आप मुझे ये बताएं, आपको कोई आइडिया तो होगा कि वो कहाँ गई है? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कुछ कोई जगह तो होगी ना? नहीं बेटा, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि कहाँ गई है। तंग करके रख दिया इस लड़की ने मुझे तो। इतनी बेबस में पहले कभी नहीं थी। जैसे जैसे मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे मंजिलें मुझसे दूर जाती जा रही हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। वो हाथ धोकर बड़ा है तुम्हारे पीछे। वो फरीदुद्दीन, जब तक वो है कुछ नहीं हो सकेगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो पीछे हट जाए या फिर ना रहे। कितनी बार बताया है कि किसी की जान लेना मेरा मकसद नहीं है। या तो अपने उसूल बचा लो या फिर अपनी मोहब्बत। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचोगी तो फैसला करना मुश्किल हो जाएगा, हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। हाँ तो ठीक है, मगर इतना याद रखना, तुम्हारी सोच के लम्हे जितने तवील होते जाएंगे तुम्हारी मोहब्बत तुमसे उतनी दूर होती चली आएगी। तुम्हारी नन देवर उन सब पे से जादू का असर खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी नंद को अगर लफ्जों की जबान मिल गई तो तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। और कोई बात नहीं कि वो तुम्हारा तेवर यानी तुम्हारा महबूब, उसके दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत दोबारा से जाग उठे। मिस्टर अर्सन। हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? किस सिलसिले में? दरअसल मुझे मिस चाजिया से मिलना है, क्या वो घर पर है? नहीं है वो घर पर। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो कहां पर है? देखिए इंस्पेक्टर शर्जील, वो अपने मैके गई हुई है। आप मुझे बताएं कि काम क्या है आपको। घबराने की बात नहीं है, मैंने सिर्फ उनसे नॉर्मल क्वेश्चंस करे। सुनिए ना, केस के मतलब क्वेश्चंस? केस के सिलसिले में? घबराइए मत, नॉर्मल से क्वेश्चंस। एक मिनट जी भाई, भाभी वहां पर भी नहीं है। अच्छा आप परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे। I think मैं गलत कहीं पर आ गया हूँ, मैं फिर आ जाऊंगा। बेहतर होगा। थैंक यू मिस्टर अर्सन।
अरे शाजिया तुम आओ आओ। खैरियत? बस वैसे ही। अच्छा आओ अंदर तो चलो। तो आप क्या सोच रहा तुमने? क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रह सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भला क्या एतराज हो सकता। लेकिन तुम्हारे अब्बा? तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं उनको हैंडल करती हूँ। शुक्रिया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन क्या तुम मेरा एक काम कर दो? ऐसा काम? यार वो हमारे हॉस्पिटल का जो MS है ना वो हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो कोई ना तावीज वगैरह दे दो कि एक ही दफा छुटकारा हो जाए। चलो देख लेंगे उसे। ठीक है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं। सुनैना, सुनैना बेटा। बेटा उठना नहीं आज, तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है। क्या टाइम हुआ? 12 बज गए। 12 बज गए और बहुत दिन बाद नींद पूरी हुई है मेरी मामा। अच्छी बात है ना नींद पूरी कर ली है। बाबा चले गए? चले गए, पूछ रहे थे तुम्हारा। तुम उठो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। अच्छा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं कल रात को मुझे एक लम्हे के लिए लगा के तुमसे उस लड़की से बात नहीं करना चाहिए थी, तुमसे माफी मांगने के लिए कॉल की थी मैंने तुम्हें। अब तो एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मुझे तुमसे उससे भी ज्यादा सख्त लहजे में बात करनी चाहिए थी। अब क्या करती है मैंने? तुम्हारा दोस्त आया था। अरे दोस्त नहीं, कुछ और ही कहना चाहिए। तुमने भाभी को फिर से अपने केस में इन्वॉल्व कर दिया। मैंने कुछ नहीं। एक मिनट, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी तो मैं तुमसे अपना ताल्लुक खत्म कर दूंगा और तुम उसकी हो जाओगी? भूल है तुम्हारे, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कोर्ट जाना था तुम्हें, शौक से जाओ, मगर इतना याद रखना वहां जाकर हर बात होगी, समझी तुम? सब बातें तू ही ये मुझको बता, क्या करूं खुदा। आज बेटा। सोनिया देखो कौन आया बेटा। शहरयार आया। शहरयार?
आंटी मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने शाजिया पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दें। इस बार तो तुम्हें माफ कर दिया बेटा, लेकिन आइंदा ऐसी गलती ना होने पाए। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं अरसिम और सारिम से कुछ नहीं छुपाऊंगी। तुम बैठो सोनिया के पास, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे सब याद है, तुम फिक्र मत करो, मेरी बात पे कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं है। उल्टा सबने मुझे घर से निकाल दिया था। एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलके शाजिया की असलियत सबके सामने ले आएंगे। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई बात पे यकीन ही नहीं करेगा। शाजिया ने सबकी आंखों में धूल झोंक दी है, हमें सही वक्त का इंतजार करना है। मुझे तुम्हें यहां से ले जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम यहां रही तो शाजिया तुम्हें ठीक नहीं होने देगी। तो हौसला रखो। अरसिम की कॉल आई थी। क्या बात हुई? जैसा आप समझ रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। ना तो उसने अपने रवैये पर पछताने के लिए कॉल की थी, ना ही मोहब्बत भरी बातें करने के लिए, बल्कि आप ऐसे कहने शिकायतों का अंबार था उसके पास। उसे लगता है कि इंस्पेक्टर शर्जील ने मेरे कहने पर शाजिया को इन्वेस्टिगेशन में ले लिया। ऐसे समझता है तो समझता है। जब उससे तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? लेकिन मामा, मैं इंस्पेक्टर शर्जील से बात कर सकती हूँ। क्या बात करोगी तुम? कि वो शाजिया को इन्वेस्टिगेट ना करे और वो तुम्हारी बात मान लेगा, है ना? बेटा अव्वल तो ऐसा होगा नहीं। अगर वो कानूनी तकाजों को साइड पे रख के तुम्हारी बात मान भी ले तो जानती हो अरसिम इस बात का क्या मतलब लेगा? वो समझेगा कि तुम्हारी और शर्जील की इतनी अच्छी दोस्ती है कि तुम जब चाहो शाजिया पर केस चलवा सकती हो, जब चाहो उसे बरी करवा सकती हो। इस तरह तुम दोनों का जो तासुर है उसके ऊपर, वो खत्म होने के बजाय मजबूत हो जाएगा। बेटा तुम अब और कुछ नहीं करोगे, सब कुछ वक्त और हालात पर छोड़। वक्त बहुत बड़ा मुनसिफ है, बेहतर फैसला करेगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नाहिद तुम? परेशान हूँ बहुत। शाजिया का कुछ पता चला? नहीं भाभी, मैं तो सारिम को कॉल करने वाली थी। क्या अगर उसको कुछ पता चला हो? सारिम अभी बाहर से आया है। अपने तौर पर जहाँ जहाँ वो पता कर सकता था उसने मालूम कर लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कहीं तुमने उसे मेरी वो बच्चे वाली बात तो नहीं बता दी? बताना पड़ा भाभी, उसको भी तो एहसास होना चाहिए आपकी खुशियों का, आपके अरमानों का। ओहो, नहीं कहना चाहिए था ना तुम्हें, उसे नहीं पता चलना चाहिए था। बस देखा ना तुमने, शायद वो इसी वजह से हम लोगों से नाराज होकर चली गई है।
इतनी सी बात पे तो नाराज होके नहीं जाना चाहिए था उसे। आप सुबह तक इंतजार कर लीजिए, अगर वो सुबह तक नहीं आती तो फिर आप FIR दर्ज करवा दीजिएगा। ठीक है ना, तुम्हें जैसे ही पता चले ना प्लीज मुझे फौरन इत्तला करना। जी मैं बताऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनैना नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ। और मैं कौन सा गैर हूँ? इसी घर में रहती। कोई भी काम हो बगैर हिचकिचाए मुझे कहना। शमसुद्दीन की बात माननी होगी। कौन सी बात? मुझे घर वापस जाना है। अगर वो चीजें किसी के हाथ लग गई ना तो अच्छा नहीं होगा। वो चीजें सारिम के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो चीजें सारिम के हाथ लग गई ना तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। शाजिया कहाँ जा रही हो? रात के 2 बज रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। शाजिया क्या कर रही हो? रात के 2:30 बज रहे हैं। कौन आएगा? सो कोई शाजिया वजिया नहीं है, सो जाओ। क्या बात है? देखो ये तुम्हारे सिर्फ वहम है। मैंने कहा ना कोई नहीं है आप, और मैं तुम्हारे साथ हूं। सो जाओ, कोई नहीं है।
क्या हुआ भाई? अरसिम कोई आया है? कोई आया था अभी? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह भाभी मिल जाएंगी, हम कोशिश करेंगे। एक काम था मुझे तुमसे, कल मेरे साथ चलोगे? वो पुलिस स्टेशन जाना है, शाजिया की FIR दर्ज करानी है। हाँ भाई जरूर चलूंगा। तुम सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें जगा दूंगा। मैं पूछ रहा हूं कौन है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हेलो। हेलो अरसिन। भाभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ हैं? मैं यही इसी शहर में। भाभी आपको पता है सारे भाई कितने परेशान हैं, कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया उन्होंने आपको। उन्हें मेरी नहीं बल्कि अपने सुकून की तलाश है। से पूछेंगे कहाँ हो, क्यों गई, क्यों नाराज हो, मैं क्या जवाब दूँ? और अगर मैं जवाब दे भी दूँ उसके बाद उन्होंने क्या करना? उन्होंने माफी मांग लेनी और मैंने उन्हें माफ कर देना। भाभी क्या गलती है सारे भाई की आप मुझे बताएं, मैं उनसे बात करूंगा। इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन्होंने मुझ पर कि
अगर मैं तुम्हें भी बताऊंगी ना तो तुम भी सह नहीं पाओगे। आप प्लीज मुझे बताएं भाभी, मैं सारे भाई को समझाऊंगा। मेरी अच्छी भाभी है ना आप, आई नो आप मेरी बात को नहीं टालेंगे। ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम बताएं मुझे। तुम्हें मेरी गुमशुदगी की FIR कटवाने से सारिन को रोकना होगा। अच्छा ठीक है। और तुम ये नहीं बताओगे कि मेरी और तुम्हारी कोई बात हुई। जैसा आप कहें। ठीक, तेरी अगली कॉल का इंतजार कर। भाभी हेलो। हेलो अरसम, किससे बात कर रहे थे तुम? वो ऑफिस से कॉल आई थी, इतने दिन हो गए ना मैं काम पे नहीं गया, काफी काफी काम पेंडिंग है। अच्छा सुनो जरा मेरे साथ चलो, उसके बाद बेशक तुम ऑफिस चले जाओ। कहीं पे जा रहे हैं हम? अरसम तुम भूल गए, मैंने तुम्हें रात को भी बताया यार, पुलिस स्टेशन जाना है, शाजिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। हाँ जी मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। क्या सोचा तुमने फिर? इसमें सोचने वाली क्या बात है, मुझे अपनी मंजिल चाहिए और अपनी मंजिल पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तो फिर तुम वापस घर जाओ और मुनासिब वक्त का इंतजार करो। घर? घर कैसे जा सकती हूँ, कुछ बिखरा हुआ है और एक सिरा भी किसी के हाथ लग गया तो क्या होगा पता है आपको? मैं जानता हूँ, तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी। अच्छा और जो अमल अपना असर खो चुके हैं उन सब का क्या होगा? वो सब मुझ पर छोड़ दो, अगर तुम मेरे पुराने हरीफ को रास्ते से हटाने में मेरी मदद करोगी तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? हरी तो दे, हरी? हाँ, उससे कुछ हिसाब निकलता है, वो हिसाब चुकता करने का टाइम आ चुका। दिखता खुदा भी ना मेरे।